नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एक्सप्रेस ट्रेनें चलने में और रुकने में थोड़ा समय लेती है, लेकिन लोकल ट्रेनें और मेट्रो ट्रेनें जल्दी से रुक जाती है और जल्दी से ही स्पीड पकड़ लेती है। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है, आइए आपको हम बताते हैं। दोस्तों इस बात को जानने के लिए हमें दोनों ट्रेनों के टेक्नोलॉजी के बारे में जानना होगा। जितनी भी एक्सप्रेस ट्रेन या पैसेंजर ट्रेन होती है उसमें जो लोकोमोटिव लगा होता है उसमें पूरी ट्रेन को खींचने के लिए सारा लोड लोकोमोटिव के ऊपर होता है, और जब लोकोमोटिव के अंदर से ब्रेक लगाया जाता है जो एक एक करके सारे कोच में अप्लाई होता है। इस प्रकार से पूरी ट्रेन को खींचने के लिए आगे जो ट्रेन का लोकोमोटिव होता है उसी में ट्रैक्शन मोटर होती है, और उसी ट्रैक्शन मोटर की मदद से पीछे के सारे कोच चलते हैं। लेकिन जितनी भी मेट्रो ट्रेन या लोकल ट्रेन होती है इनकी जो टेक्नोलॉजी होती है वह थोड़ी अलग होती है। इनमें हर 3 से 4 कोच के बाद एक पावर कार होता है। इस पावर कार के ऊपर आप देखेंगे एक पेंटोग्राफ लगा होता है, और उसके कोच के नीचे ट्रैक्शन मोटर होते हैं। यानी कि हर 3 से 4 कोच के बाद ट्रैक्शन मोटर लगे होने के कारण जब ड्राइविंग कैप से लोको पायलट ब्रेक अप्लाई करते हैं उसी समय सारे जितने भी ट्रैक्शन मोटर होते हैं जो कि कोच के नीचे लगे होते हैं सभी में एक साथ ब्रेक अप्लाई होने से इनकी जो मूवमेंट होती है वह रुक जाती है, जिसके कारण लोकल ट्रेन या मेट्रो ट्रेन वहां पर रुक जाती है। और जब इनका एक्सीलरेशन या स्टार्ट इनको किया जाता है तब कई सारे पार्ट्स में ट्रैक्शन मोटर अपनी ताकत लगाते हैं, जिसके कारण इनकी स्पीड अचानक से बढ़ जाती है। लेकिन लोकोमोटिव वाले ट्रेन में ऐसा नहीं है। लोकोमोटिव वाली ट्रेन में आगे जो लोकोमोटिव होता है उसी में ट्रैक्शन मोटर होता है, और उसी में ट्रैक्शन मोटर होने के कारण सिर्फ वही अपनी ताकत लगाता है, और पीछे जितने भी सारे कोच होते हैं वह उसी लोकोमोटिव के सहारे आगे बढ़ते हैं। इसीलिए लोकोमोटिव वाली कोई भी पैसेंजर ट्रेन में स्पीड पकड़ने में उनको टाइम लग जाता है, और लोकल ट्रेन मेट्रो ट्रेन जल्दी से इसलिए रुक जाती है क्योंकि इनके बीच बीच में ट्रैक्शन मोटर लगा होता है, और जब उनकी सप्लाई कट की जाती है तो एक साथ ऑटोमेटिक सभी रुक जाते हैं। और लोकोमोटिव वाली ट्रेन में ऐसा नहीं है। सिर्फ लोकोमोटिव में ट्रैक्शन मोटर होने के कारण इनका जो मोमेंट होता है पीछे के सभी कोच में बारी बारी से अप्लाई होता है, इसीलिए एक्सप्रेस ट्रेन रुकने में ज्यादा समय लेती है। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि एक्सप्रेस ट्रेन रुकने में ज्यादा समय क्यों लेती है और मेट्रो ट्रेन रुकने में कम समय क्यों लेती है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।